कृष्णा, कहाँ छिपाया है उन्होंने सारा माखन? इतना खतरा मोल लेना तो व्यर्थ ही गया। हाँ, इसकी बात सही है, उन्होंने माखन कहीं और छिपाया होगा। सलोना है वो, हिन्नियों का छोना है वो, मोर पंख सर में है उसके जड़ा, गोपियों की मटकी फोड़े, पापियों का दम्ब तोड़े, इस नगर हर घर को है सुख से भरा। बजी बाजे देखो, बजी बाजे रे, राधा नाचे देखो, राधा नाचे रे, अरे गोकुल की गलियों ने देखी आंखें बचा के सबसे छुपा के मक्खन चुरा ले दो, अरे गैया चरा के सबको नचा के बंसी बजा ले दो। यशोदा, मैंने तुम्हारे लाडले को रंगे हाथ मक्खन चुराते पकड़ा है। इसने हंडिया उतारकर पूरे घर में मक्खन बिखेर दिया। मैंने इतना ऊपर टांगा था मगर ये न जाने कैसे वहाँ तक भी पहुँच गया। इस बार मैं इसकी सुंदर सूरत देखकर नहीं पिघलने वाली। हर बार ये जादू चलाकर बच निकलता है, इसीलिए मैंने इसको पकड़ा और सीधे तुम्हारे पास ले आई, इससे पहले कि ये फिर से मुझ पर अपनी भोली भाली सूरत का जादू चलाए और मैं कुछ भी न कर पाऊँ। ओहो प्रभावती, मुझे पता है तुम कृष्ण पर क्रोधित हो और तुम उसे उसकी शरारतों के लिए दंडित करना चाहती हो, किंतु तुम्हें ऐसे झूठ नहीं बोलना चाहिए। क्या तुमने ही तो कहा था कि जब भी कृष्णा कोई शरारत करे मैं उसे पकड़कर तुम्हारे पास ले आऊं, तो मैं ले आई। मैंने उसे रंगे हाथों पकड़ा था, तो अब दो इसे दंड। ओ प्रभावती, तुम भी ना, दिन भर मेरे कृष्ण के बारे में सोच सोच कर तुम बहक गई हो। तुम्हें पता है तुम किसे पकड़ लाई हो? क्यों, किसको पकड़ लाई मैं? चंद्रू, तू यहाँ क्या कर रहा है? मैया। देखा तुमने प्रभावती, तुम अपने ही पुत्र को यहाँ पकड़ लाई। इसने कोई शरारत की होगी और तुम कृष्ण के बारे में सोचते हुए इसे यहाँ ले आई। आह बेचारी, चलो छाया में बैठो, मैं तुम्हारे लिए ठंडी लस्सी लाती हूँ, पी लो, मन शांत होगा। चंद्रू, अपनी मैया को इस तरह परेशान नहीं किया करते, देखो तो बेचारी का क्या हाल हो गया। मगर मैंने तो कृष्णा का हाथ पकड़ा था, मुझे अच्छी तरह से याद है, पूरे रास्ते उसी का हाथ मेरे हाथ में था।
कमल की पंखुड़ी जैसे उसके नरम नरम हाथ। पर चंद्रू, चल यहां से। मैया, उनकी बातों में आ गई तो तुम्हें कैसे पता चलेगा? तुम्हें अपने पुत्र पर विश्वास होना चाहिए कि मैं तुम्हारा ही पुत्र हूँ। या वही माखन चोर? कृष्णा, माता प्रभावती, मैं कृष्ण हूँ, नंद बाबा और यशोदा का पुत्र। कृष्णा, ये सच में तू है या मेरा चंद्रू? पर माता प्रभावती, मुझे अच्छा नहीं लगा कि आप मुझे चोरों की तरह पकड़कर मैया के पास ले गई। मेरा दोष तो केवल ये था कि मैंने माखन चुराया, वो भी आपके हाथों का बना, जो कि वृंदावन का सबसे स्वादिष्ट माखन है। पर मैंने तो मेरे साथ फिर ऐसा कभी मत करना माता, मैं तुम्हारा भी तो पुत्र हूँ है ना? अगली बार ऐसा किया तो चंद्रा की जगह अपने पति का हाथ पाओगी और फिर पूरा का पूरा वृंदावन तुम पर हंस रहा होगा। बोलो कितनी चीटिया हाथी के चिट्ठी अपना कान्हा किसी से भी क्या है डरा। कान्हा देखो खिलखिलाए, माँ यशोदा मुस्कुराए, जग सारा नन्हे से मुख में भरा। बजी बाजे देखो, बजी बाजे रे, राधा नाचे देखो, राधा नाचे रे। तो मेरे प्यारे बच्चों, बताओ तुम्हें हमारा माखन चोर कृष्ण कैसा लगा? बहुत मजा आया दादाजी, दूसरी कहानी सुनाओ ना। सुनाता हूँ, लेकिन पहले मेरे एक सवाल का जवाब दो तुम लोग। क्या सवाल है? आप लोगों में से मम्मी पापा की बातें कौन मानता है? मैं मानता हूँ। मैं भी दादाजी, मैं भी मानता हूँ। अच्छा अच्छा, लेकिन बच्चों पहले मेरी एक बात का जवाब दो। मम्मी पापा टीवी देखने के लिए मना करें तो तुरंत टीवी बंद कर देते हो? किसी चीज के लिए जिद तो नहीं करते हो? पापा को किया हुआ प्रॉमिस, खूब पढ़ाई करूंगा, अच्छे मार्क्स लाऊंगा, अच्छे हैंडराइटिंग लिखूंगा, फुलफिल करते हो कि नहीं, बोलो। दादाजी, टीवी तुरंत बंद नहीं करता, लेकिन जब ज्यादा चिल्लाते हैं या चैनल हटा देते हैं तो टीवी अपने आप बंद हो जाता है। दादाजी प्रॉमिस पूरी करने की कोशिश करते हैं पर और पूरी नहीं होती है ना? और अपने भाई बहनों के साथ लड़ते झगड़ते हो, ठीक है ना? वो क्या है कि दादाजी, वो क्या है कि थोड़ा थोड़ा दादाजी, थोड़ा थोड़ा। चलो आज मैं तुम्हें आज्ञाकारी पुत्र राम, उनकी पत्नी सीता और उनके भाई भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न की कहानी सुनाता हूँ। सुनो बेटा। हाँ तो बच्चों सुनो। हो मंगल भवन अमंगल हारी,
दशरथ अजीर बिहारी राम सिया राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम सिया राम जय जय राम हो तापस वेश विशेष चौदह बरस राम वनवासी पिता के वचनों की रक्षा करनी है मां मुझे अनुमति दे मैं देखता हूं कौन आपके अधिकार छीनता है मैं भरत का वध कर दूंगा पिता सम्मुख आए तो उनका भी मैं शांत रहो लक्ष्मण अधर्म और पाप से युक्त राज्य का मैं लोभी नहीं मेरी यात्रा की व्यवस्था करो ये मेरी आज्ञा है मैं भी बन जाऊंगी आपके साथ मैंने हर स्थिति में आपके साथ रहने की प्रतिज्ञा की है किंतु सीत यदि मेरी प्रतिज्ञा टूटी तो मृत्यु कारक होगी मेरे पुत्र दुर्भाग्य है मेरा दुर्भाग्य है मुझे क्षमा कर दो पुत्र मुझे क्षमा कर दो ऐसा मत कहिए पिताजी 14 वर्ष तो पलक झपकते ही बीत जाएंगे आप मुझे वन प्रस्थान की अनुमति दें राम मचाओ राम अयोध्या तुम्हारी है तोड़ दो मेरा वचन राम मेरे पुत्र मत जाओ मत जाओ राम मत जाओ भैया 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 मैं भी चलूंगा आपके साथ मार्ग में आपकी सेवा कौन करेगा भैया इतु दशरथ के प्राण चले माता के अभिमान चले चले हैं सुख आनंद अवध के जन जन के भगवान चले रोके रुके नहीं राम तो संग में रोके रुके नहीं राम तो संग में तापस वेश बना